ठीक है। अच्छा अब ये मैं VS कोड के ऊपर आ चुका हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो फोल्डर ओपन करना है VS कोड के अंदर, जिस फोल्डर में आपने काम करना है। ठीक है। अच्छा वो कैसे ओपन करेंगे हम, आप चले जाएंगे फाइल में, और ये मेथड दोनों में सेम है, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ कर रहे हैं। अपने फाइल में जाना है और फिर आपने चले जाना है ओपन फोल्डर वाले ऑप्शन में। ठीक है। ओपन फोल्डर में जाने के बाद मिसाल के तौर पर मैं इस फोल्डर में आके मुझे एक न्यू फोल्डर बनाना है, मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, क्रिएट कर लेते हैं फोल्डर का नाम। ठीक है। और हम क्लिक कर देते हैं ओपन के ऊपर, तो हमारा ये VS कोड देखें उस फोल्डर के अंदर ओपन हो गया, JS स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है, अब इसके आगे देखें हमारे पास ये कुछ आइकन्स बने हुए आ रहे हैं। ठीक है। इनके क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं अगर होवर कर रहा हूँ तो देखें ये एक मेरे पास हेल्प टेक्स्ट आ रहा है, न्यू फाइल लिखी हुई आ रही है ना, और इस पर मैं होवर करूँगा, होवर नहीं खाली माउस लेके गया हूँ, भी क्लिक नहीं किया है मैंने। ठीक है। उसे कहते हैं होवर करना। तो ये मैं न्यू फोल्डर मुझे दिखा रहा है कि इससे न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। यही तो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। न्यू फाइल इंट्यूटिव है कि हम न्यू फाइल क्या करेगा, एक न्यू फाइल बनाएगा। ठीक है। हम एक पहले न्यू फाइल बना लेते हैं, और पहली फाइल का नाम हम यूजली अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रखें। ठीक है। तो वेब में भी ये इसका फ़ायदा ही होता है कि वेब में भी कभी आप लाइव वगैरह कर रहे होते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये पहली फाइल जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है इसको ऑटोमेटिकली रन करना है। इसके और भी अक्सर होगा कि कन्वेंशन है, बाय कन्वेंशन आप भी पहली फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाया करें। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने एक बॉयलर प्लेट कोड लिखने के लिए VS कोड में एक शॉर्टकट होता है। ठीक है। आपने लिखना है HTML, लिखना शुरू करेंगे आप सेकंड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। माउस से भी चले जाएँ HTML:5 वाला। ठीक है। या एरो की नीचे वाला दबाएं और एंटर कर दें। ठीक है। आपके पास एक ये बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ आ गया, यानी कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, यानी कि ये कोड जो है ये आपके पास स्टार्ट करने के लिए HTML की कोडिंग, ये बड़ा ये आप मतलब बेसिक कॉमन कोड है, ये आपको चाहिए होता है। ठीक है। यूजली ज़्यादातर जो भी पेजेस होते हैं आप ये लिखते ही लिखते हैं, तो ये आप बार बार टाइप करें, ऐसा चाहिए कि ये शॉर्टकट यूज़ करके आप ये आपको कोड बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आप चाहें तो टाइटल जो होता है ये चेंज कर लें। ठीक है। JS लेक्चर कर दें। ठीक है। और बॉडी के अंदर हम जो बेसिक हमारा पहला एक H1 का टैग होता है हेडिंग का, वो हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। हम लिख लेते हैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ठीक है जी। अच्छा अब क्या करना है हमें, देखें ये देखें यहाँ पे एक ग्रे हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा मैं विंडो इसको मैं अगर सेव करूँगा या फाइल में जाके सेव करूँ या कमांड एस करके, अगर मैक में तो कमांड एस और अगर आप विंडोज़ में है तो कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा, वो देखिए ग्रे बटन चला गया। ठीक है। या फिर आप क्या करें, आप फाइल में जाके आप ऑटो सेव सेलेक्ट कर लें। ठीक है। आप ये विंडोज़ में भी यही ऑप्शन है, मैक में भी यही ऑप्शन है, ऑटो सेव कर लेंगे तो आप जब भी कुछ चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पर आप एंटर करें, वो देखें ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है, अब ग्रे बटन नहीं आ रहा। आप एस टू लिखें। ठीक है। देखें ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे रन करना है। देखिए रन करने के भी मल्टीपल मेथड्स हैं, एक मेथड हम देख लेते हैं कॉमन, हमने फाइल पर राइट क्लिक करना है। ठीक है। और फाइल के नाम के ऊपर इसमें मैं आऊँगा, होवर करूँगा टैब पे, राइट क्लिक करूँगा और इसमें आ रहा होता है एक ऑप्शन कॉपी पाथ। ठीक है। इसको ओपन कर लें और आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ आके आप पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। ठीक है। तो आपके पास ये आउटपुट आ गया। ठीक है। और दूसरा मेथड क्या होता है, अच्छा अब इसमें एक फ्लॉ है, दूसरे मेथड पे जाने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें एक थोड़ा सा हमें एक इशू आता है जिसकी वजह से हम दूसरे मेथड पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H3 दिस इज़ अनदर हेडिंग। ठीक है। अच्छा अब मैं सेव तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, अब मैं क्रोम पे चले आता हूँ कि मेरे पास ये आउटपुट आया नहीं आया। देखिए मेरे पास ये अभी आउटपुट नहीं आया, क्या करना होगा मुझे, इसको बस रीलोड करना होगा, यहाँ से मैं रीलोड कर लेता हूँ, अब ये आ गया मेरे पास। ठीक है। अच्छा लेकिन इससे भी हमारी जान छूट सकती है, जब भी हमें बार बार रीलोड करना पड़ता है ना काम करते वक्त, आपने नोट किया होगा HTML CSS में, इसका एक शॉर्टकट क्या होता है कि हम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है लाइव सर्वर। ठीक है जी। आप लिख लें लाइव सर्वर। अच्छा ये वाली वो एक्सटेंशन है और मैंने इंस्टॉल करी हुई है, आप इस पे जाएंगे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा, इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है। मैं इसको डिसेबल नहीं कर रहा, मेरे पास इनेबल है, मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है। मैं वापस आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, आपको इंस्टॉल हो जाएगी, इसे बंद कर दें। इसे आपने फिर कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर साइड में देख लें मैं कहाँ गया था, आखिरी वाले ऑप्शन पर एक्सटेंशन में, आप दोबारा पहले वाले ऑप्शन पर आ जाएँ, यहाँ आपकी वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगी, वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जहाँ आप काम कर रहे हैं वो फोल्डर की फाइल्स वगैरह यहाँ पर शो हो जाएंगी। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है बीच में कहीं भी स्क्रीन पर और यहाँ ऑप्शन आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है। ये आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। ये देखें आपका कोड जो है ऑटोमेटिकली रन हो गया। अब इसको मैं उठा के इस URL को, ये मेरे पास सफारी दूसरे ब्राउज़र में खुल गया है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसी URL को और मैं चला जाता हूँ क्रोम के ऊपर। ठीक है।
और यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, अच्छा ये मैंने जो है सफारी मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ है, वो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं अभी से उस पर हम नहीं जा रहे, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो VS कोड की सेटिंग्स में जाके भी डिफ़ॉल्ट चेंज करना पड़ता है, तो अभी फॉर नाउ हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रोम सेट है तो हो सकता है मोस्ट लाइकली आपके पास क्रोम पर ही ये खुले। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखें मैजिक, अगर मैं एक और कुछ लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, अगर हम एक और H3 ले लें, दिस इज़ येट अनदर हेडिंग। अभी थोड़ा सा डिफरेंट हमने लिख दिया, अब हम देखते हैं क्या हमने रिलोड, यहाँ पे हमारे पास देखें आउटपुट आ गया और हमने रिलोड नहीं किया। ठीक है, नहीं रिलोड किया हमने और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब अगर हम पैराग्राफ ऐड करना चाहें, यहाँ पे मैं पी लिखूँगा, अच्छा एक और शॉर्टकट भी देख लें, पी लिख के बस एंटर कर रहा हूँ। ये भी VS कोड का फंक्शनलिटी है, वरना आप अगर कोई और नोटपैड वगैरह पे लिख रहे होंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपको पहले ओपनिंग टैग लगाएंगे, पी लगाएंगे, फिर क्लोजिंग टैग लगाएंगे, तो देखें एंड वाला टैग VS कोड ने फिर हमारी आसानी कर दी। इस मेथड से भी आप करेंगे तो वो एंड वाला टैग खुद लिख देगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा VS कोड एडवांटेजेस भी है कि आपको कम कोडिंग लिखनी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो ये बड़ा हेल्पफुल रह जाता है और आपको खुद सजेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, आगे भी हम इसके काफ़ी फ़ायदे देखेंगे VS कोड के, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नोट पैड या बाकी किसी एडिटर पर जाने के बजाय आप VS कोड यूज़ करें। और इसमें काफ़ी सारी ये है कि इसमें काफ़ी सारी, अगर आप कोई और लैंग्वेज भी स्विच करेंगे तो वो भी ज़्यादातर VS कोड पर आप काम कर सकते हैं। पाइथन कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट कोई और फ्रेमवर्क कर रहे हो, रिएक्ट वगैरह, तो वो सब आप VS कोड पे कंफर्टेबली कर सकते हैं और आपके इसको शॉर्टकट वगैरह सारे याद होंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, मैं वहाँ गया हूँ, देखें रिलोड होके आ भी गया, खुद ही रिलोड हुआ है। ठीक है, वो खुद ही रिलोड हो जाता है और हमारे पास अपडेटेड चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमें देखना है अभी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। अब हम कर लेंगे जी, अब हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ जो भी हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं वो हम लिखते हैं स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। आपने स्क्रिप्ट का टैग कहाँ लगाना है, बॉडी जहाँ पे आपकी एंड हो रही होगी, ये बॉडी का टैग यहाँ पे एंड हो रहा है, इससे पहले आपने लिखना है स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी पहला देखें ड्रॉप डाउन में खुद आ रहा है, अब मैं पूरा लिखूँ ठीक है या बस इस पर यहाँ पर खुद ही सेलेक्टेड है, मैं बस एंटर क्लिक करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बस एंटर क्लिक करूँगा, मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ही बने हुए आ गए। ठीक है, आप चाहें तो पूरा टाइप कर लें, बस मेक श्योर कर लीजिएगा कोई आगे पीछे कोई और टैब कोई और टेक्स्ट वगैरह ना आप टाइप कर दें, वो डिलीट कर दिएगा, बाकी आप फिर क्या कर दें एंटर कर दें। ठीक है, अब हमने अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सिंपली वही हम अपनी कमांड चलाएंगे अलर्ट, पहली कमांड हमारी क्या थी, पहले हम क्या चलाएंगे भाई हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम चले आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, देखें अब हमारे ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली अलर्ट आ गया और हम इसको ओके करेंगे, पीछे हमारा टेक्स्ट आ गया। ठीक है, और दूसरी कमांड हमने क्या सीखी थी, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि ये जो है मेरा अलर्ट जो है ये फर्स्ट टाइम पे हमें शो कर देता है हर बार ही। ठीक है, और पीछे वाला टेक्स्ट रेंडर नहीं होता। अब मैं आप दूसरी हम कमांड रन कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब चलते हैं, देखें हमारे इसको कोई आउटपुट में चेंज नहीं आया, रिलोड करके देखें कोई आउटपुट में चेंज नहीं आया हमारे, लेकिन हमारे जो कंसोल डॉट लॉग लिखा है वो हमें कहाँ नज़र आएगा, वो हमें इंस्पेक्ट में ही नज़र आएगा। हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चले जाएंगे, कंसोल पे चले जाएंगे और यहाँ हमें हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, हम इसको रिलोड करके देखते हैं, तो देखें ये रिलोड होता है, ये भी रिलोड हो जाता है और हर बार जो है ये स्क्रिप्ट चल रही है और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर हमें दोबारा कंसोल डॉट लॉग करना है, देखें मैं इसको इसी लाइन पर खड़ा हूँ, अब इसको पूरा सेलेक्ट करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आता अगर मुझे कॉपी करना है, मैं खाली यहाँ पे माउस मेरा कहीं भी होगा, मैं बीच में कहीं भी होगा, मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा या कमांड सी मैक के ऊपर और कमांड वी या कंट्रोल वी दबाऊंगा, तो हमारे पास ये लाइन खुद ही कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ और, लिख देते हैं हम हेलो टू द फ्यूचर, लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हम यहाँ पर आते हैं, देखें हमारे पास दो कमांड, दो हमारे पास लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के